सुल्तान फजल अत्राचलिया ने पता है कि चैंपियन होना क्या होता है। इन्होंने ट्रॉफी उठाई है प्रो कबड्डी की, लेकिन क्या गुजरात के साथ ये सीजन में वो प्लेऑफ्स पहुंच पाएंगे? पिछले 5 मैचेस में 2 जीत और बैक टू बैक 2 हार के साथ वो इस मैच में उतर रहे हैं। बिल्कुल, और यहाँ है तमिल थलाईवास। अगर आप इनके पिछले 5 मैचेस देखें तो 4 जीते, पिछला मुकाबला जरूर इन्हें हारना पड़ा है और उस हार से उबरना बहुत जरूरी है थलाईवास के लिए आज के इस मुकाबले में। तमिल थलाईवास ने टॉस जीता है, पहली रेड गुजरात जायंट की तरफ से। यही सवाल सबसे बड़ा, गुजरात जायंट्स का नंबर 1 रेडर कौन? प्लेऑफ्स की दौड़ के लिए ये मुकाबला बहुत जरूरी। गुजरात जायंट्स हालांकि फेवरेट्स हैं, कई सारे लोगों का मानना है कि गुजरात जायंट्स प्लेऑफ्स में पहले पहुंचेगी, लेकिन तमिल थलाईवास ने इस टूर्नामेंट में सीजन 10 में जिस किस्म से कमबैक किया है, कमाल का है। हमारे साथ यहाँ कमेंट्री बॉक्स में कबड्डी की आवाज संजय बैनर्जी और कबड्डी के बेहतरीन खिलाड़ी और अब हमारे एक्सपर्ट और साथी ब्रॉडकास्टर विशांत तिवारी का हमारे साथ है, मंत्रमुग्ध जिन्होंने अपना नाम नहीं बताया। सॉरी दादा, मैं भी सीख रहा हूं नरेंद्र की तरफ, जिन्होंने पिछले 2 सीजन में क्या बेहतरीन पिकअप हासिल किया है अपने लिए, अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। नरेंद्र ने नबी बख्श को शिकार बनाया रनिंग हैंड टच से, वन स्टेप चिप से आफ्टरवर्ड अच्छी तरह से अपने आप को बैक किया है नरेंद्र ने। जिस तरह से फॉर्म में लौटे, काबिले तारीफ है वो। रोहित गुलिया को आज इंक्लूड किया गया है। अब रोहित गुलिया इंक्लूड हुए हैं तो तमिल थलाईवास डिफेंस में नंबर 2 की रैंक पे हैं। 13.5 औसत है, रोहित गुलिया का शिकार किया। तमिल थलाईवास ने धमाकेदार शुरुआत की है। मोहित गए थे टैकल के लिए, बहुत ही बेहतरीन डैश था, सिंगल गए थे, ब्लॉक किया और आमिर हुसैन बस्तामी ने एंकल पे जाके रोका नरेंद्र। पिछले मुकाबले में तमिल थलाईवास शिकस्त खा गए थे 3 पॉइंट से और यहां नरेंद्र को देखिए कितना एडवांस जाकर के टैकल करने की कोशिश। उसके बाद अजिंक्य को घेर लिया गया गुजरात के डिफेंडर्स द्वारा, चक्रव्यूह में फंसे। अजिंक्य पवार, कोई रास्ता नहीं छोड़ा उनके लिए, ना डुबकी ना छलांग, डू ऑर डाई रेड है इस वक्त यहां गुजरात जायंट्स की तरफ से। राकेश, ये नाम आप पिछले कई सीजन से सुनते आए हैं और लेकर गए हैं यहां खाता खुला गुजरात का। रेडिंग में ये पॉइंट उनके नाम, और रेडिंग में पॉइंट लाना होगा गुजरात के रेडर्स को, क्योंकि डिफेंस सेटल दिखी है। सागर बाहर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि उनका इस्तेमाल होगा आज। और यहां जोड़ा रेड में आते से ही पॉइंट लेकर गए नरेंद्र। वन पॉइंट तमिल थलाईवास, नंबर 5 नरेंद्र आते हैं, क्विक पॉइंट हमें देखने मिलते हैं नरेंद्र से। 4-5 सेकंड में अपनी रेड फिनिश करते हैं और बहुत ही बेहतरीन है, दो टच, खूबसूरत लगता है ऐसे स्किल देखने के लिए। बिल्कुल खूबसूरत स्किल नरेंद्र की, और शिकार किया उन्होंने सुमदीर को। रोहित गुलिया, एक मौका मिला है स्टार्टिंग 7 में, अपने आप को साबित कीजिए। नरेंद्र को ही बाहर किया उन्होंने, कहा ज्यादा टू टच करते हैं ना, लीजिए स्वाद लीजिए अपनी दवा का। टू टच करने की कोशिश थी, ललचाया नरेंद्र को, मजबूर किया एंकल पे जाने के लिए। राकेश के पिछले सीजन में इस समय 128 पॉइंट थे, इस बार अब तक 77 पॉइंट है और यहाँ राकेश ने फिर सफलता हासिल की। क्या ये सुपर रेड होगी? बिल्कुल बोनस प्लस 2 यानी के सुपर रेड। राकेश ने सीजन 9 की बानगी एक बार फिर दिखाने की कोशिश की है और एस्केप देखिए बहुत ही खूबसूरत। वो पहले बोनस अटेम्प्ट किया हिमांशु ने, रॉन्ग अटेम्प्ट और बहुत लेट आए अभिषेक। राम मेहर सिंह साहब एक अलग तरह के कोच हैं, वो अगर जीतते भी रहते हैं तब भी नाराज रहते हैं, लेकिन जैसे ही मुकाबला खत्म होता है मुस्कुराते हैं, उससे पहले नहीं मुस्कुराहट आती है। यहाँ राकेश ने एक बार फिर कमाल किया, आज राकेश चल रहे हैं, पुराने राकेश के दीदार आज बहुत हद तक हो रहे हैं। वो स्पीड, वो एजिलिटी दिख रही है राकेश के रेड में, अचानक ने अपने आप को पॉज किया और पॉइंट हासिल किया, पर यहाँ पे नरेंद्र को बाहर जाना होगा। बहुत बढ़िया डैश, बहुत ही पक्का सर। तमिल थलाईवास 1 पॉइंट गुजरात जायंट्स।
राम मेहर जी वहीं से बता रहे कि बोनस जो आप दे रहे हैं वो बोनस पॉइंट नहीं है। बहुत सुंदर तरीके से सिंगल हैंडेडली नरेंद्र को बाहर किया। गुजरात जायंट्स की सबसे बड़ी दिक्कत यही, और यहां पर रॉक सुपर टैकल संभव हो सकता है। तमिल तलाईवास के पास मौका है और रेड पर राकेश है, अचानक एक्सेलरेट कर रहे हैं, एडिशनल स्टेप ले रहे हैं राकेश, और इसी वजह से कामयाब हो रहे हैं। तो बात कीजिएगा, रनिंग हैंड टच का दावा है, क्या ये सच है? वन पॉइंट गुजरात जायंट्स, बिल्कुल मान लिया गया है। तलाईवास क्या रिव्यू के लिए जाएंगे या इसे मानकर चुपचाप बाहर निकल जाएंगे? रनिंग हैंड टच था ये। सागर अंदर आ चुके हैं, सागर का इंतजार था, सागर का इंतजार राकेश के लिए था। ये देखिए राकेश आए और सागर उनके पैरों पर गए, उनकी छलांग को ध्वस्त किया। रॉफ सुपर टैकल कामयाब हुआ, मगर की जकड़ से निकल पाना मुश्किल है। तलाईवास ने वापसी की है इस रॉफ सुपर टैकल के साथ, बेहतरीन यहां टैकल देखने को मिला है। क्लियरली इंस्ट्रक्शन देकर भेजा गया था अजिंक्य पवार को कि बोनस अटैक जरूर करना, कोशिश जरूर करी, बोनस तक आने दिया नहीं अजिंक्य पवार को। बहुत एडवांस एंकल होल्ड था सोमवीर का, राइट, और दीपक बालाजी डी सपोर्ट के लिए आए सही समय पे। सागर से बच के रहना होगा राकेश को, आगे दौड़ेंगे तो सागर डबल थायोल्ड इनिशिएट कर सकते हैं, पर यहां पे गलती करवाई साहिल से, अपने पोजीशन से भटकाया और अटैक किया साहिल पर। नंबर टू आउट। जब तक सागर मैट पर नहीं थे राकेश खुलकर खेल रहे थे, सागर के आने के बाद उन्हें थोड़ी सी परेशानी हो रही है, लेकिन यहां दोनों डिफेंडर्स के बीच से निकलकर उन्होंने अपने ट्रैप में ले लिया और सागर को लाया ही उनके लिए गया है, क्योंकि आज स्टार्टिंग सेवन में वो नहीं थे, बाद में लेकर के आए, तब लेकर के आए जब राकेश ने छह पॉइंट्स बना लिए बिना रुके। देर आए दुरुस्त आए कहना होगा, लेकिन इस वक्त तो कमल तलाईवास ऑल आउट हो चुकी है। सोमवीर ने उन्हें इनिशियल टैकल किया और उसके बाद पूरी टीम टूट पड़ी। कमल तलाईवास भाई, कबड्डी के खेल में एक बार आप ऑल आउट हो जाए तो ऑल इन होने का मौका आपको मिलता है, लेकिन जिंदगी में घर बनाने का मौका बार बार नहीं मिलता। जब मौका मिले ले पंगा, जैसे गुजरात जायंट्स ले रही है इस वक्त, और क्लियरली आज गुजरात के रीडर्स में राकेश अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। रोहित गुलिया भी अगर इस पार्टी को ज्वाइन कर ले तो आज गुजरात इस मुकाबले को जरूर अपने नाम करेगी। बिल्कुल साहिल गुलिया की प्रेजेंस में दोनों रेडर्स को थोड़ा सा आशंकित कर दिया, और यहां जैसे ही निकले एस्केप रूट पर पूरा का पूरा डिफेंस मौजूद था। साहिल गुलिया ने यहां कमाल किया, चेन लेकर आए थे साहिल गुलिया, जंप करने की कोशिश थी, नाकामयाब रहे रोहित गुलिया। जब तक पलक झपकी तब तक नरेंद्र भी बाहर हो गए। कबड्डी के खेल में सचमुच सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती आपको। फजल ने वो टैकल, सोमवीर ने लगातार तीसरा टैकल ये सोमवीर का, एंकल होल्ड करके रोका पहले अजिंक्य पवार को और अब नरेंद्र को। रोहित गुलिया को इंस्ट्रक्शन देके भेजे गए, और एक बार फिर रोहित गुलिया भरे गए वहां पर। साहिल गुलिया लगातार बेहतर कर रहे हैं, चेन के साथ अटैक कर रहे हैं, उन्हें पता है एस्केप रूट क्या है रोहित गुलिया का, पैरों पे जाके मोमेंटम तोड़ा रोहित गुलिया का, पर यहां पे नरेंद्र, नरेंद्र कब आते हैं रेड पे और कब बाहर जाते हैं ये पता नहीं चलता, बहुत ही क्विक रेड। जी हां बिल्कुल, उनका कार्डियो चल रहा है और फजल ने यहां पर इनिशिएट जरूर किया। राकेश लगातार रेड पर हैं, ये उनकी 13वीं रेड है, सुपर 10 के नजदीक पहुंच रहे हैं, लंबे समय के बाद एक अच्छा प्रदर्शन, ट्विस्ट करके लौटने की कोशिश जरूर थी, लेकिन मोहित नांदल का ये टैकल, मोहित थे वहां।
वहां पर अच्छा टैकल उनका, कॉम्बिनेशन देखने मिला हमें अभिषेक और मोहित का। गुजरात के रेडर्स, अगर उनका कौन स्ट्राइक रेडर है, कौन उनका रेडिंग का जो परचम है वो लहराएगा, और आज वो काम राकेश कर रहे हैं। राकेश ने आज रेडिंग में उम्मीदें जगाई हैं, अन्यथा गुजरात के रेडर्स ने लगातार उन्हें परेशान किया है टीम को। बढ़िया खेल यहाँ पर, एक बढ़िया स्लाइडिंग टो टच रोहित गुलिया की तरफ से, नरेंद्र कटोला वापस बैट पर, टू आउट रेड है यहाँ। फसल कितना एडवांस आ चुके, कितना आगे है, क्या फसल पे एक बार फिर से अटैक हुआ है लेफ्ट कॉर्नर पे फसल। तमन थलाई पास टू आउट में एक सफल एक असफल, और यहाँ गलती हुई है नबी बख्श की। और हाफ अटेम्प्ट किया था नरेंद्र ने, उनको पता था अगर और आगे दौड़ते तो फजल अतरचली चेन लेकर आते। कुल मिलाकर 105वां मुकाबला, प्लेऑफ्स अब नजदीक आते हुए, अजिंक्य पवार गए हैं रेड पर। अजिंक्य पवार का जहां तक सवाल है, आज सिर्फ दो रेड पॉइंट, दो बार आउट हुए, रेडर्स नहीं चल रहे आज तलाईवास के। अजिंक्य और नरेंद्र पर बहुत डिपेंडेंसी है, उसे साबित करना होगा अन्यथा मुश्किलें होंगी। 5 पॉइंट से पिछड़ रहे हैं और पहला हाफ यहीं पर समाप्त हो चुका है। पहले हाफ में गुजरात जायंट्स के पास 5 पॉइंट्स की लीड है, लेकिन इस लीड के कोई खास मायने होते नहीं है। देखो सिंपल फंडा खुल लो, बोनस करोगे तो कवर आएंगे। राकेश डेफिनेटली आज गुजरात को ये मैच जिता सकते हैं क्योंकि आज अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ नरेंद्र अच्छे फॉर्म में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। आज बैक टू बैक फेलियर्स, बैक टू बैक फेल रेट्स, और सोमवीर का बेहतरीन प्रदर्शन, बार बार अटैक कर रहे हैं नरेंद्र पे, अजिंक्य पे प्रेशर बनाए रखा है, और ये वेस्ट होल्ड करके डाइव किया था नरेंद्र को रोकने के लिए, और इसीलिए एक लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन हमेशा बेहतर होता है जो गुजरात जायंट्स आज कर रहा है। रोहित गुलिया को स्टार्टिंग सेवन में रखा है, अजिंक्य पवार गए और सीधे उनके पैरों पर टूट पड़े बालाजी। जैसे मैंने कहा था संजय दास, डिफेंस सेट हो गया पूरी तरह से, देखिए अटैक खिले गए थे अजिंक्य पवार, बालाजी डी ने पैरों में जाके रोका। लंबी रेड करने के लिए कहा गया है, रोहित गुलिया गए हैं, ये डू और डाई है, और डू और डाई में इतनी देर लगाई डिफेंस का सपोर्ट आने में, शायद बात बन सकती थी डिफेंस के सपोर्ट की। देखिए बात तो बन नहीं सकती थी क्योंकि बहुत ज्यादा एडवांस गए थे सागर, शायद थोड़ा इंजरी से जूझ रहे हैं सागर, और यहाँ पे राम मेहर को साहब पूरी तरह से अपनी एनर्जी डालते हुए वो पास ऑन हो जाता है प्लेयर को। बहुत ही सुंदर यहाँ पर गुजरात का डिफेंस, कुछ समझ में नहीं आ रहा था बस को आज। आपने सही कहा संजय दा की पॉइंट मिलता भी है गुजरात को तो भी नाराज रहते हैं, नहीं मिले तो भी नाराज रहते हैं। सबसे ज्यादा परफेक्शनिस्ट दिखाई देते हैं राम मेहर सिंह। सुपर टैकल एक है तमिल तलाईवास का, और सुपर टैकल के मामले में बेहतर प्रदर्शन, और यहां चकमा दिया पूरी तरह से साहिल गुलिया को। पूरी तरह से मैट का इस्तेमाल कर रहे आज राकेश, जिस तरह से रेड कर रहे, राइट में जाते लेफ्ट में जाते, डिफेंस को ललचा रहे बार बार, बहुत ही खूबसूरत रेड राकेश की। गुजरात जायंट्स आज चढ़कर बोल रहा है, तमिल थलाईवास का कोई भी पत्ता काम नहीं आ रहा। ये लम्हा होना चाहिए जब कोच अपनी टीम को ठहर करके खेलने की हिदायत दें, सोचें और अपने प्लेयर्स को ये बताने का प्रयास करें कि अभी भी आप वापस लौट सकते हैं। शोभीर का यहाँ पर हाइडिंग पॉइंट दिखाई दे रहा है, बढ़िया प्रदर्शन, बाहर गए मोहित, एक तरफा पॉइंट्स जा रहे हैं अब जायंट्स के फेवर में। तो चेन लेकर आए थे सोमवीर, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन सोमवीर का, और यहाँ पे ये ऑल आउट One blast to 3 points, गुजरात जायंट्स ने तमिल तलाईवास को।
एक बार फिर तमिल दलाईवाज ऑल आउट। कबड्डी के खेल में ऑल इन होने का मौका तो जरूर मिलता है, लेकिन जिंदगी में घर बनाने का मौका हर बार नहीं मिलता। जब मौका मिले ले पंगा, और ये दूसरे हाफ में एक भी पॉइंट नहीं मिला है तमिल दलाईवाज को। कम ऑन नरेंद्र, बताइए उन्हें कि किस लिए आपका नाम लिया जाता है। और लेकर गए और सोमवीर को बाहर किया। अंतिम 15 मिनट में तमिल दलाईवाज क्या अपना ए गेम दिखा सकेंगे? बिल्कुल लंबे समय के बाद ये पॉइंट मिला है नरेंद्र को, और नरेंद्र का नहीं चल पाना थोड़ा सा परेशानी का सबब है टीम के लिए। अजिंक्य पवार भी नहीं चल पा रहे। कुल मिलाकर 7 रेट पॉइंट है तमिल दलाईवाज के। राकेश सुपर 10 कर चुके हैं, कुल मिलाकर चौथा सुपर 10 है राकेश का। पिछली बार स्टार्टिंग 7 में नहीं थे, प्रतीक को लिया था, इस बार राकेश है और इस बार डिफेंस ने काम किया। अभिषेक का बढ़िया प्रदर्शन, एम अभिषेक ने बोनस पॉइंट गुजरात जायंट्स कामयाबी के साथ इसे कन्वर्ट किया। बोनस लेने में कामयाब रहे, ये रनिंग बोनस राकेश का। उसके बाद एम अभिषेक ने वो एडवांस चेन लेकर आए थे, चेन लेकर आए इसलिए कामयाब रहे। तमिल दलाईवाज इस मैच में कमबैक कर रहा है। तमिल दलाईवाज विशाल ने पॉइंट कमाया और क्या बढ़िया छलांग लगाई है। बिल्कुल राइट रेडर खिला है विशाल, वो काम शुरू कर दिया। क्या जरूरत है उसे पकड़ने की, बहुत जरूरी है। जब लेफ्ट रेडर नहीं चल रहे तो राइट रेडर का लाना, और विशाल ने वो काम करके दिखाया। गलती करवाई दीपक से। अजिंक्य को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है इस मुकाबले में, 5 का डिफेंस है। अब विशाल लॉबी में गए, फ्रेश लेग्स हैं, जाहिर है अनप्रेडिक्टेबल हैं, और डिफेंस को संभालने में समझने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है। विशाल चहल का ये दूसरा रेड में पॉइंट, बहुत ही अच्छा ये रनिंग हैंड टच विशाल का। चलिए अब एक ऐसे रेडर पर नजर डालते हैं जो इस टीम में थर्ड रेडर के तौर पे खेल रहे हैं, और लेकर गए हैं एक और पॉइंट विशाल। मंत्रा में यही कह रहा था कि राइट रेडर को बहुत पहले लाना चाहिए था, और विशाल ने वो काम करके दिखा। जिस तरह से लगातार राइट से पॉइंट ला रहे, क्योंकि लेफ्ट का डिफेंस जो था गुजरात का वो सेट हुआ था पूरी तरह से। बोनस ट्राई करने बोला गया है रोहित गुलिया को, सागर अटेम्प्ट करेंगे। जब वो बोनस खिले अटेम्प्ट करते ही सागर हाथ डालेंगे, और वही किया सागर ने। बिल्कुल पूरी तरह से गिफ्ट पे दिया है वो पॉइंट। राहुल कंवल जी भी ये मुकाबला देखने के लिए आए हैं, और कलाकार हो, अभिनेता हो, पत्रकार हो, सबके बीच कबड्डी का वर्चस्व। और यहां पर फजल पर अटैक, विशाल ने वो बहुत ही बेहतरीन टो टच फजल पर। मालूम नहीं लगा फजल को कि कब वो टो टच हो गया। नबी बख्श बचेंगे, और यहां पे मनोज से गलती करवाई विशाल ने, और विशाल लगातार पॉइंट ला रहे हैं। संजय दा गुजरात की रेडिंग में राइट साइड से हमने कहा था जैसे पॉइंट आ सकते, और वही हो रहा है। बिल्कुल ये जरूरी है कि आप डिफेंस के हिसाब से अपने रेडर्स का चयन करें। जैसे आज रोहित गुलिया को स्टार्टिंग 7 में रखा गया, गुजरात ने आज स्टार्टिंग 7 में लेकर के आया, और देखिए 7 पॉइंट रोहित गुलिया ले आए इस बार एकदम मिड लाइन के नजदीक जाकर के उन्हें टैकल कर दिया गया। ये 8वां पॉइंट है बोनस के तौर पर रोहित गुलिया का। उन्होंने भी बोनस की घोषणा कर दी बाहर बैठकर। ओहो क्लियर किक मारकर विशाल वापस गए। विशाल चहल इस नाम को याद रखिएगा। राकेश वापस आ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद रोहित गुलिया को रेड पर भेजा है, जिनके 8 रेड पॉइंट्स है आज की रात। कमबैक की कहानी सीजन 10 में हमने कई बार देखी, 2 बार तो 13 और 12 पॉइंट से पिछड़ने वाली टीमों ने वापसी की हाफ टाइम तक। अच्छा ब्लॉक, गुलिया स्केप रूट पर मौजूद थे पूरी तैयारी के साथ। उन्होंने कहा आइए आपकी ताकत हम नापते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये ब्लॉक, सिंगल खड़े हो गए थे रोहित गुलिया के सामने, मौका दिया नहीं एस्केप करने का। यहाँ पे नरेंद्र बालाजी डी पर रनिंग हैंड टच, क्विक रेड हमें देखने मिला नरेंद्र से। लहर बदल रही है, अब लहर तमिल दलाईवास की तरफ।
काफी दबाव है, काफी टेंस होते देखिए उनके चेहरे की जो मांसपेशियां हैं वो भी उभर करके साफ बिल्कुल दिखाई दे रही हैं। ये डिफेंस किया फर्स्ट चली है कामयाबी के साथ, कोच साहब आराम से फसल अत्रा चली कह रहे हैं आराम से कोच साहब को। फासला घट के देखिए 7 पॉइंट का बोनस लेने की कोशिश, और यहां टू और ढाई में अगर बोनस लेकर के आएंगे तो और क्या चाहिए आपको। बहुत ही अच्छी कप्तानी फसल अत्रा चली के, रोहित गुलिया को लेफ्ट साइड से ले आए थे, ऐसे दिखाई नहीं रोहित गुलिया जा रहे रेड को, पर राकेश ने रेड करके चौंकाया और पहले बोनस अटेम्प्ट किया, उसके बाद अभिषेक से गलती करवाई। 6 के डिफेंस में एक बार फिर हिमांशु नरवाल आए, जबरदस्त टैकल किया, तीसरा पॉइंट फजल अत्रा चली का। और ये दृश्य गुजरात के लिए भी सही नहीं, ये इंपैक्ट फसल के ऊपर आया। फसल अत्रा चली का मैट पर रहना बहुत जरूरी है संजय दा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, अगर एक सुपर रेट चली जाएगी इस सिचुएशन में तो वो कम बैक हो सकता है तमिल तलाइवास का। फसल अत्रा चली जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं टीम को अंदर, बिल्कुल वो बात ठीक है, लेकिन अगर ये चोट और बढ़ गई तो सीजन बाकी है, गुजरात जायंट्स की प्लेऑफ्स की संभावनाएं बाकी हैं, इसलिए एहतियात भी जरूरी है। मुझे लगता है कि इस समय अगर वो खेलने की स्थिति में नहीं है तो उन्हें विश्राम लेना चाहिए। दो टाइम पर राकेश जा रहे हैं, राकेश ने आज बड़ा फर्क पैदा किया है, प्रतीक दहिया की जगह स्टार्टिंग सेवन में शामिल किए गए हैं, सिर्फ दो रन से खेल रहे हैं, चेन के नीचे से निकले लोअर चेन थी और उस चेन को तोड़ते हुए निकले राकेश। काम कर दिया है उन्होंने, गुजरात जायंट्स को एक ऐसी लीड दिला दी है कि यहां से अब गुजरात जायंट्स का हारना मुश्किल ही होगा। और बढ़िया यहां स्लाइडिंग टू टच नरेंद्र फजल के खिलाफ, सीधा सीधा फजल इन पर भारी पड़े हैं, बिल्कुल अपने जो चोटिल हाथ है उनका उसे थोड़ा सा अलग रखते हुए फजल ने ये टैकल किया और नरेंद्र को जिस तरह से शिकार बनाया वो लाजवाब था। फासला बड़ा हो गया, डू और डाई, और डू और डाई पर पॉइंट अगर नहीं भी लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है रोहित गुलिया का, इत्मीनान के साथ खड़े रहेंगे, लौट जाएंगे और इसके साथ ही गुजरात जायंट्स इस मुकाबले को जीत करके नंबर 4 पर काबिज हो गए हैं। लॉस्ट सुपर टैकल यहां पर कामयाब हुआ, मगर की जकड़ से बच पाना तो मुश्किल नहीं हुआ। बिल्कुल अभिषेक का पैर जो है वो पहले बाहर चले गया था, रेडर को सेव किया जाएगा। इंतजार होता है पूरे मैच में नहीं मुस्कुराते, लीड चाहे जितनी हो जाए। अद्भुत परफेक्शनिस्ट है, शानदार कोच है टीम के, तारीफ करनी होगी उनकी। मुबारकबाद गुजरात जायंट्स जिन्होंने ये मुकाबला अपने नाम किया, इंजर्ड हुए फजल अत्रा चली, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये इंजरी इतनी खतरनाक ना हो कि वो वॉरियर्स और बुल्स और योद्धा के खिलाफ ना खेल पाए, क्योंकि उनके आने वाले 3 मुकाबले हैं।